राधे राधे मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हूँ इस समय बरसाना में, और बरसाना में राधा रानी के गांव बरसाना में, और इस समय हैं हम कुशल विहारी मंदिर में, और आपको दिखाने जा रहे हैं मान विहारी मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो आप जब बरसाना आए तो कुशल विहारी मंदिर में आ जाइए और उसके पीछे वाली गली से आइए, और वहाँ पर आपको ये गेट मिलेगा। ये छोटा सा गेट आप देख रहे हैं, जो चैनल वाला जो शटर है वो यहाँ पर जो है लगा हुआ है। तो और ठीक सामने दानगढ़ है, और हम आपको मानगढ़ लेके जाएंगे जहाँ पर मान विहारी मंदिर है। मान विहारी मंदिर भी उसी पहाड़ी पर स्थित है जिस पहाड़ी पर बरसाना में राधा रानी जी का मंदिर है। लेकिन इस ये बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके कई हिस्से हैं मित्रों, जो इसके कई कोने हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, देखिए वो ऊँचाई पर मान विहारी मंदिर है उस पहाड़ पर, और ये सीधा रास्ता पहाड़ पर है। हम इस समय पहाड़ पर ही चल रहे हैं, वो देख रहे होंगे वो मंदिर है जो पहाड़ पर ऊपर स्थित है। और हम अभी राधा रानी मंदिर से आए हुए हैं, चलिए हमारे पीछे पीछे आइए और आपको रास्ते के दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे जिस जंगल में हम चल रहे हैं इसे कहते हैं गहवर वन। जो आप वन देख रहे हो ये वाला सुंदर सुंदर, ये है गहवर वन। और इसी गहवर वन में होते हुए जाएंगे, और राधा रानी मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है और उसी पहाड़ी पर है। किसी को भी पूछ लेना कि मानगढ़ के लिए रास्ता कौन सा है। मानगढ़ कोई गाँव नहीं है, बरसाना में एक पहाड़ है, उसी के कोने को मानगढ़ कहते हैं, मान विहारी मंदिर के जिस स्थान पर स्थित है। और इसी तरफ मोरकुटिया देखिए, ये आप मकान देख रहे हैं ऊपर, ये नीचे और मंदिर हैं, और ऊपर की तरफ जो मकान देख रहे हैं वो है मोरकुटी। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर बने थे। और जहाँ मानगढ़ है यहाँ पे एक कहानी है कि एक बार श्री राधा जी श्रृंगार करके आई थी और भगवान श्री कृष्ण को पूछा था उन्होंने कि बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि आप तो चांद के जैसी लग रही हैं। तो राधा रानी को बहुत बेकार लगा और वो गुस्सा होकर अपने घर से, जिससे घर से 500 मीटर की दूरी पर एक पहाड़ पर जो आप वहाँ मंदिर देख रहे हैं वहाँ पर गुस्से में बैठ गई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने उनका मान रखने के लिए, उन्हें मनाने के लिए पहुँचे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें मना नहीं पाए। और वो उनका मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण फिर दूसरे कोने पर, दूसरे पहाड़ पर जाकर मोर बन के नाचने लगे और राधे राधे कहकर गाना गाने लगे। तो वो उन्होंने वहाँ जहाँ पर बैठी थी, जहाँ पर आज मान विहारी मंदिर है, वहाँ से उन्होंने आवाज़ सुनी, ये कौन सा मोर है जो मुझे पुकार रहा है। तो वहाँ गई तो वहाँ पर उस मोर को देख कर वो मंत्र मुग्ध हो गई उसकी आवाज़ को सुनकर मित्रों। तो उसने उन्हें बाद में पूछा कि हे मोर, आप कौन हो, आप अपने साक्षात रूप में आइए। तो भगवान श्री कृष्ण जब साक्षात रूप में आते हैं तब वो कहती हैं, अरे ये तो हमारे कृष्ण हैं। उन्होंने तब वो खुश हो जाती हैं। तो वहाँ पे आज मोरकुटी नाम से मंदिर बना हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी यहाँ से दिखाई देता है जो मैंने अभी दिखाया था। और ये पहाड़ के ऊपर देखिए, हम पहाड़ पर कितनी ऊँचाई पर हैं, ये आप खेत देख रहे होंगे नीचे की तरफ, आप हम पहाड़ पर ऊपर ही हैं इस समय मित्रों। ये रास्ता सीधा मान आधा किलोमीटर का रास्ता है, और ये पूरा जो वन देख रहे हैं ये है गहवर वन। और राधा रानी के मंदिर के चारों तरफ जो वन है वो गहवर वन ही है, हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा वीडियो का स्पीड भी हमने बढ़ा दिया है मित्रों, हम थोड़े जल्दी भी चल रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। ये हम 9 से 10 मिनट तक का ही वीडियो होगा, ज़्यादा ऊपर हम जाने नहीं देंगे। वहाँ पे एक छोटा सा कृत्रिम वन भी है जो बहुत ही सुंदर पार्क है, उस पार्क में भी लेके चलेंगे, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक उद्यान बनाया गया है पार्क नुमा, यहाँ पे कमल के पुष्प हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रास्ते में देखिए, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये टेढ़े मेढ़े पेड़ ज़्यादा हैं, जैसे दिखने में ऐसा लग रहा है ये पेड़ जो बबूल के हों, लेकिन ये बबूल के पेड़ नहीं है मित्रों, मंदिर के पास आ चुके हैं। इन पेड़ों का मित्रों मैं नाम भी नहीं जानता हूँ वैसे मैं बताऊँ तो, और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो आपको भी दर्शन में कराऊँगा। मैं ज़्यादातर राधा रानी मंदिर ही देखने आता थे, और कई बार यहाँ, यह मेरा 4th-5th चक्कर है, लेकिन मान विहारी मंदिर का पहला मेरा चक्कर है जहाँ मैं दर्शन करने आया हूँ। तो ये यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम में आया हूँ। और राधा रानी मंदिर तो मैं कई बार घूम के पहले भी जा चुका हूँ, दर्शन करके जा चुका हूँ, तो आज हम यहाँ के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो देखिए हम मंदिर आ चुके हैं, मंदिर के पास ये देखिए, ये है राधा रानी जी जहाँ पर बैठी थी मान रखकर,
इसे मान बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये लिखा है मान मंदिर घेवर वन बरसाना। तो ये सब घेवर वन में आता है, जो यहाँ पे ये देखिए ये नीचे से सीढ़ियों वाला रास्ता है जो अलग से आया है। अगर आप राधा रानी मंदिर से आएंगे तो पहाड़ पे ऊपर ऊपर आएंगे जिस रास्ते से हम अभी आए थे। ये है मान मंदिर, देखो ये लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। तो ऊपर चलते हैं और आपको हम दिखाएंगे बताएंगे मित्रों। तो पहले मैं आपको बता दूँ इस मंदिर के बारे में कुछ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है सीढ़ियाँ मित्रों, आप देख रहे होंगे आप ये सीढ़ियाँ आप। तो मित्रों मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये जो है यही वो मंदिर है जहाँ पर राधा रानी जी बैठी थी। चलिए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं और अंदर भी हम आपको दर्शन कराएंगे, कोशिश करेंगे आपको बिहारी जी के भी दर्शन करा दें। तो चलिए चलते हैं और आपको भी ऊपर लेके चलेंगे और यहाँ पे एक जो वन है उस वन के भी दर्शन कराएंगे। यहाँ कोने पे एक वन बताया जाता है, मैंने भी नहीं देखा है। यहाँ पे देखिए ये जो गेट दिखाई दे रहा है साइड में, इस वाले गेट में पहले हम सीधे चलते हैं, सीधे मंदिर के दर्शन कराएंगे, फिर वापसी में हम आपको कराएंगे जो है एक वन के, जो मांडित वन के नाम से जाना जाता है, सुना जाता है। इधर कार्यालय है। तो ये देखिए पूरा मंदिर परिसर है, यहाँ पे माताएं बैठी वहाँ भजन कर रही हैं और हमने अंदर दर्शन कर लिए हैं मित्रों। अंदर हमने वीडियो गर्भगृह का बनाना मना था, यहाँ पे जो सामने देख रहे हैं इसमें गर्भगृह बना हुआ है, यहीं विग्रह है महान बिहारी जी का विग्रह। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप राधा रानी के दर्शन, श्री जी के दर्शन करने बरसाना आते हैं तो आप यहाँ पर अवश्य आइएगा। देखिए ये है, ये पूरा मंदिर परिसर है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो अपने घर को छोड़कर यहाँ पे रहती हैं दर्शन करने के लिए। और अब हम मित्रों आ चुके हैं वन दिखाने के लिए, तो आपको अब वन दिखा देते हैं। देखिए ये है मांडित वन, अब हम इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है इस वन के अंदर। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पहाड़ के ही ऊपर बनाया गया है छोटा सा वन। में चलिए मेरे पीछे पीछे आइए, कैमरामैन से कहूँगा भाई इधर इसको दिखाइए, ये मैं भी पहली बार आया हूँ, मैं भी खुद देख रहा हूँ। तो बोलिए श्री राधे राधे, बोलिए मान बिहारी जी की जय। तो मित्रों देखिए यहाँ पे ये छोटा सा एक सरोवर बना हुआ है जहाँ पे कमल के पौधे लगे हुए हैं, अभी थोड़ा सूख चुके हैं वो, अभी है नहीं इस पर पुष्प कोई भी, ये कमल के पेड़ हैं इसमें जो हैं। और आगे चलते हैं देखते हैं इधर क्या है। तो यहाँ एक माता रानी का मंदिर बना हुआ है छोटा सा, और आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं। तो मित्रों वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, अगर हम आप धार्मिक वीडियो में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मित्रों मैंने मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल सभी पर वीडियो बहुत सारी बनाई हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मंदिर में रहने संबंधित अगर जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर आके ही बरसाना में ले सकते हैं, इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है मित्रों। तो ये देखिए मान झूला, ये है झूला मित्रों। आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं, ये बहुत सारे कदम के वृक्ष हैं इसमें, कुछ छोटे छोटे कुछ तुलसी के हैं, तो आप देख रहे होंगे ये टेढ़े मेढ़े जो पौधे हैं। यहाँ ज़्यादातर बरसाना वृंदावन में इसी तरह के पौधे मिलते हैं टेढ़े टेढ़े। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप आके यहाँ पे भजन कर सकते हैं, बैठ के ध्यान कर सकते हैं। यहाँ बहुत शांतमय वातावरण है मित्रों, बहुत ही शांति से यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे लोग, ये संतों के लिए बनाया गया है ताकि आसानी से यहाँ पे ध्यान कर सकें, भजन कर सकें। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो पूरा देखने के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों वैसे भी हमने बरसाना पे बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, वृंदावन पे बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, मथुरा पे भी बनाई हैं, गोकुल पर भी बनाई हैं और नंदगांव की भी वीडियो बना चुके हैं। यहाँ से नंदगांव मित्रों 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मित्रों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो मान बिहारी जी की।